सावन माह के अवसर पर खत्री महिला कल्याण समिति द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन शनिवार को पार्क रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में किया गया। इस अवसर पर खत्री महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष पूनम खुल्लर, रेणु आनंद, सुनीता, रश्मि आनंद, गुरजीत पुरी सहित समिति के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ समिति के सदस्यों द्वारा सामूहिक प्रार्थना गीत गाकर किया गया। इस मौके पर मेहंदी लगाव और क्यूज प्रतियोगिता सहित कई अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके पश्चात समिति की महिलाओं ने कजरी नृत्य के साथ साथ फिल्मी गानों पर भी ठुमके लगाकर सावन माह का स्वागत किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष पूनम खुल्लर ने कहा, समाज की हूँ। हम लोग की संस्था का नाम है महिला कल्याण समिति। इसमें हम लोग सोशल सर्विस करते हैं और मतलब क्या नीडी लोगों के लिए क्या कर सकें, और इसके साथ साथ महिलाओं का मनोरंजन भी करते हैं। जैसे मनोरंजन के तहत आज की हमारी मीटिंग थी, उसमें हम लोग ने गेम किया, सावन सुंदरी का आयोजन किया, और सबसे मुख्य बात आज हम लोग ने एक परिचर्चा की जिसमें कि पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं, इसमें हम पेड़ पौधे क्या लगाएं, कैसे क्या करें। हमने इसके लिए अपनी सारी संस्था के मेंबर को जागरूक करने की कोशिश की। बहुत ही इस समय प्रॉब्लम आ रही है, पानी का लेवल बहुत नीचे जा रहा है, ग्रोवर की कमी आ रही है, हर तरफ से ही ये हो रहा है कि किस तरह से हमारे ग्रोवर वाहन की कमी आ रही है, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि वृक्ष मतलब कैसे इसको बचाया जा सकते। तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है कि हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, उससे हर तरह की ही समस्या का समाधान होगा। एक तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, और उसके बाद जो हमारे से प्रदूषण इतना फैल रहा है उसमें सफाई हो जाएगी।